नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि आप अब अपनी eKYC 31 मार्च की जगह 30 मई तक आप यहां पर करा पाएंगे। क्या है और क्या जानकारी है उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ये वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ थीं जिसको दूर करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कोरोना काल 2 साल रहा है और भगवान ना करे कि आगे भी कुछ इस तरीके की त्रासदी हमें देखने को मिले, इसलिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ऐसे केसेस में क्या हुआ कि बहुत सारे जो मेरे किसान भाई थे वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वो में थे, तो उनके जो पैसे थे वो यहाँ पर रिवर्स हुए। यानी कि हुआ ये कि उनके अकाउंट चल रहे थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनके घर वालों ने अकाउंट बंद कराए, ऐसे में पैसे उनके अकाउंट में गए, कुछ कुछ को मिल गए, किसी किसी ने ले लिए, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आपका जिसके नाम से ये योजना है, अगर उसकी डेथ हो गई है और आप फिर भी पैसा ले रहे हैं, तो ये गलत एक सेंस निकलती है। तो उस केसेस में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिली। फिर और एक चीज़ देखने को मिली कि जिनकी डेथ हो चुकी थी उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया गया, मतलब उनका फ़ोन नंबर भी रजिस्टर्ड था आधार के साथ, तो OTP आया, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी। तो अब स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है। हालांकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी अभी eKYC जो है वो नहीं हो पाई है पीएम किसान योजना में, लेकिन 31 मई तक आप इसको करा सकते हैं। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि आपका जो पैसा है वो अब पहले जैसे आपके अकाउंट में आता था आएगा अभी अकाउंट में, ऐसा नहीं है कि अकाउंट में नहीं आएगा वो, लेकिन आपका उसी अकाउंट में पैसा आएगा जो आपका आधार कार्ड के साथ यहाँ पर लिंक होगा। अभी भी क्या होता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते, या जैसे किसी का ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, नहीं कराया उसने आधार कार्ड से लिंक, तो आपने और वही इन्फॉर्मेशन आपने अपने पीएम सम्मान योजना जो है आपकी उसके अंदर आपने भर दिया था, तो पैसा आया लेकिन वहाँ पर कुछ विसंगतियाँ हो गई, या तो बैंक मर्जर हो गए या IFSC कोड गलत हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें क्या होता था पैसा जो है रिवर्स हो जाता था, फिर वो आपको आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है कि जो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, मैटर नहीं करता है कि आपने वहाँ पर कौन सा अकाउंट नंबर दिया है, जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा अकाउंट उसी में आपका जो है पैसा यहाँ पर जाएगा। साथ साथ ये बात कही गई है कि अगर आपके बैंक का मर्जर हुआ है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटल बैंक PNB में चला गया है, तो उसके अगर आपके अकाउंट नंबर में चेंज आया है या आपने आधार के साथ उसे लिंक नहीं कराया है या उसका IFSC कोड चेंज हुआ है, तो भैया थोड़ा सा उसको अवेयर रहिए और अपडेट कर दीजिए। अगर आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट सेम है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। अब बात आती है अपडेट करने की। देखिए पीएम किसान योजना जो है उसमें आप करते रहिए ट्राई, लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल लिंक नहीं है, उस केस में आपको CSC सेंटर पर जाना होगा और आप बायोमेट्रिक वहाँ पर कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छी खबर यही है कि 30 मई 2022 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आपकी अप्रैल में आपको मिल जाएगी, जो कि 11वीं इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी है। वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।